लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास हो गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास हो गया। सदन में मौजूद 326 सांसदों में से बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि विरोध में 3 वोट पड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी भी सदन में ही मौजूद रहे। सवर्ण आरक्षण बिल का कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब ने समर्थन किया और वहीं आरजेडी ने बिल का खुलकर विरोध किया था। तो लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन अब असली जो परीक्षा है वो आज राज्यसभा में होगी। इंद्रसेन हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े, ज्यादा जानकारी। इंद्रसेन, लोकसभा में पास हो गया, समर्थन में वोट पड़े, लेकिन विरोध में सिर्फ 3 वोट पड़े हैं। आज असली जो अग्नि परीक्षा है वो राज्यसभा में होनी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो बिल है वो आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था और बड़ी आसानी से जो पूरा बिल था, स्वर्ण को जो 10% का जो आरक्षण दिया गया है, संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया था और बहुमत के साथ लोकसभा में ये बिल पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा है वो राज्यसभा में होगी, क्योंकि 2 बजे इस पूरे मामले पर जब ये बिल पेश किया जाएगा तो इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं सबसे कड़ी चुनौती जो है वो सरकार की ये है कि इस बिल को राज्यसभा में पास करवाना। हालांकि लोकसभा में जिस तरह का बहुमत था वो राज्यसभा में इतना बहुमत नहीं है, और पहले से इस पूरे मामले में जिस तरह से अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें तो ट्रिपल तलाक बिल भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पूरा बिल अटक गया था क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं था। मैं आपको बता दूं, 2/3 बहुमत की जरूरत है राज्यसभा में, उसके बाद ही ये जो संशोधन बिल पास हो सकेगा राज्यसभा से। तो देखना होगा जब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद जब इस पूरे मामले पर चर्चा होगी तो इस बिल को कैसे देखा जाता है और ये पास हो पाता है या नहीं। एक मास्टर स्ट्रोक है अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और मोदी गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है इंद्रसेन। लेकिन विरोधियों की अगर बात की जाए तो क्या एक तरीके से कहा नहीं जा सकता है कि समर्थन करना एक तरीके से मजबूरी है? विरोध तो कोई कर नहीं पा रहा है इस बिल का। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो विपक्षी दल हैं वो इस बिल का जो सपोर्ट है वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इस बिल का विरोध किया है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के समर्थन से ये बिल आसानी से पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी और जो कड़ी अग्नि परीक्षा है वो राज्यसभा में है। 12 बजे के आसपास इस बिल को पेश किया जाएगा और 2 बजे के आसपास इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। दिलचस्प होगा क्या ट्रिपल तलाक बिल की तरह ये बिल भी अटक जाएगा या फिर ये बिल पास होता है और मोदी गवर्नमेंट ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है लोकसभा चुनाव में, इसका फायदा मोदी सरकार को कितना मिलता है ये आगामी लोकसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद इंद्रसेन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अब नजर बनाए रखेगा क्योंकि लगातार हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में एक बड़ी चुनौती बन गया है और